ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो कठिनाइयों में अपनी राह निकालता है। ऐसा जीवन जियो कि अगर आपकी कोई बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। आज की तारीख 21 अक्टूबर 2020, आज का वार बुधवार। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी 9:07 सुबह तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 21 अक्टूबर 2020 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:26 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:45 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 11:15 सुबह को और चंद्रास्त का समय 9:45 शाम को रहने वाला है। आज का नक्षत्र मूल 1:13 मध्यरात्रि के बाद तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज की सूर्य राशि है तुला, आज की चंद्र राशि है धनु। आज का पहला कर्ण बालव 9:07 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण कौलव 8:17 शाम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं बालव कर्ण के विषय में। बालव कर्ण व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव प्रदान करता है। इस कर्ण में जन्मे व्यक्ति धर्म कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं तथा धर्म यात्रा और तीर्थ यात्रा के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इस कर्ण के जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये जीवन में काफी धन अर्जित करते हैं और धन धान्य से पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कौलव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार होता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रेम पूर्ण और स्नेह युक्त व्यवहार रखते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन्हें मित्रों से समय समय पर अनुकूल सहयोग और लाभ भी प्राप्त होता है। इस कर्ण के जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और किसी भी हाल में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। बालव कर्ण सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय है। कौलव श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला चर समय माना गया है। आज का योग शोभन 6:50 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा योग अतिगंड 4:25 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आइए जानते हैं शोभन योग के बारे में। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस योग को बड़ा सजीला और रमणीय योग कहा गया है। यदि आप शोभन योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। आप एक नरम दिल के व्यक्ति हैं जो प्रभावशाली बातचीत और बौद्धिक कौशल के साथ दूसरों को प्रभावित करते हैं। अतिगंड योग में इस योग को बड़ा दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायक होते हैं। इस योग में किए गए कार्य से धोखा, निराशा और अवसाद का ही जन्म होता है। अतः इस योग में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। अतिगंड योग में जन्मे व्यक्ति साहसी और परोपकारी होते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष लगा सकता है। आइए बात करते हैं आज के दिशाशूल की। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इसके निवारण के लिए घर से धनिया खाकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है।
आज का शुभ समय आज का विजय मुहूर्त 2 बजे दोपहर से 2:44 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:45 सुबह से 5:36 सुबह तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज के शुभ समय में अमृत काल 7:05 शाम से 8:37 शाम तक रहेगा। रवि योग का समय 6:26 सुबह से 1:13 मध्य रात्रि के बाद तक रहने वाला है। ऐसा माना जाता है कि रवि योग में किए जाने वाले कार्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि रवि योग को सूर्य का अभिष्ट प्राप्त है, इसलिए इस योग को प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और गाय को गेहूं खिलाया जाता है। रवि योग भगवान सूर्य देव की कृपा पाने का दिन है। इसमें सूर्य को अर्घ देने और गाय को भीगा हुआ गेहूं खिलाने से लाभ होता है। जीवन में आए अनेक प्रकार के संकटों कष्टों को भी ये योग दूर करता है, इसलिए इस योग को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 12:05 दोपहर से 1:30 दोपहर तक रहेगा। यमगंड काल का समय 7:51 सुबह से 9:16 सुबह तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। आइए जानते हैं आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 21 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन बिल्व पत्र निमंत्रण और स्कंद षष्ठी होगी। 22 अक्टूबर को सरस्वती पूजा और नव पत्रिका पूजा होगी। 23 अक्टूबर को नवपद ओली प्रारंभ हो जाएगी और सरस्वती विसर्जन होगा। नवपद ओली चैत्र और अश्विनी सुदी सप्तमी से प्रारंभ होकर चैत्र व अश्विनी सुदी पूर्णिमा तक मनाई जाती है। नवपद ओली तप त्योहारों को शाश्वती और स्थायी रूप से माना जाता है, जिसका मतलब है कि नवपद ओली त्योहार सभी समय में विद्यमान है, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन दिनों के दौरान नवपद की प्रतिदिन पूजा की जाती है। 9 दिनों के प्रत्येक दिन यह त्योहार सिद्ध चक्र के 9 पदों के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त आयविल तप का पालन करते हैं। वे दिन में 1 बार खाना खाते हैं। भोजन सरल और बिना मसाले, दूध, दही, घी, तेल, हरी और कच्ची सब्जियां इन दिनों में खाई जाती। 21 अक्टूबर के दिन का चौघड़िया इस प्रकार होगा। लाभ समय 6:25 सुबह से 7:50 सुबह तक। अमृत समय 7:50 सुबह से 9:15 सुबह तक। शुभ समय रहेगा 10:40 सुबह से 12:05 दोपहर तक। चर समय 2:55 दोपहर से 4:20 शाम तक। लाभ का समय होगा 4:20 से 5:45 शाम तक। रात के चौघड़िया में शुभ समय होगा 7:20 शाम से 8:55 शाम तक। अमृत काल का समय 8:55 शाम से 10:30 शाम तक। चर समय 10:30 शाम से 12:05 मध्य रात्रि तक रहेगा। लाभ का समय 3:14 सुबह से 4:50 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।